हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि हम कैसे सेटअप करते हैं ग्रो स्टोर को, फूड एंड ग्रोसरी ई कॉमर्स साइट, जो हम कैसे सेटअप करते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे जो लारावेल और एजेक्स और जेक्वेरी यूज होगी, और जो हमारा बेसिकली जो भी हमारा होस्टिंग होगा वो यहाँ पे मैं होस्टिंगर का सर्वर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जिप फाइल को अनजिप करेंगे तो ये सब फाइलें आपको मिलेंगी, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट और अपलोड फाइल दिस। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, अपना होस्टिंगर सर्वर को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट थिंग कि हम मैं यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सब डोमेन का नाम लिख लेता हूँ, ग्रो स्टोर। ओके, तो ये हो जाने के बाद सिंपल सा आपको क्रिएट यहाँ से सब, और ये हमारा सब डोमेन, इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा सब डोमेन हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे जो सर्वर रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा मिनिमम PHP 7.4 है होना चाहिए, और सब एक्सटेंशन अनेबल होने चाहिए प्री डिफाइंड, और उसकी जो कुछ साइज है PHP कॉन्फ़िगरेशन की वो भी होनी चाहिए। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं आपको नहीं शुभ बता रहा हूँ कि कैसे मैं आपको अनेबल करना होगा। तो मेक श्योर कि वो सभी PHP अनेबल हो, मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट ही अनेबल है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपलोड दिस जिप फाइल को ओपन करके आपको जो करा रहा हूँ, तो इसे अपलोड करना है हमारे फाइल मैनेजर में। तो फाइल मैनेजर को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे पहले डेटाबेस को एक क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे गो स्टोर। ओके, गो स्टोर हो गया और क्रिएट, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो क्रिएट सक्सेसफुली, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, फाइल मैनेजर, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे ग्रो स्टोर ये रहा। तो यहाँ पे हम कौन सी फाइल, फर्स्ट थिंग यहाँ पे अपलोड दिस फाइल को वहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके, अपलोड हो जाने के बाद इसे अनजिप करेंगे हम। ओके, तो ये पहले अपलोड हो जाए, होने देना चाहिए, अपलोड हो चुकी, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। सिलेक्ट, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे मैं फोल्डर एक क्रिएट कर रहा हूँ, CD। ओके, तो कुछ टाइम लगेगा। ओके, हो गया, और सभी फाइलों को यहाँ पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे मूव करके हमारा जो मेन सब डोमेन है ग्रो स्टोर का उसमें मूव कर लेता हूँ प्रीवियस वाले में। ओके, तो ये सभी सारी फाइलें यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो एक बार यहाँ पे .env फाइल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। ओके, डेटाबेस, तो हमारा जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उसका नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, साथ ही में यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड। ओके, जो भी आपने पासवर्ड डाला हो डेटाबेस के टाइम पे, तो यहाँ पे मेंशन करें। अगर पासवर्ड नहीं है, आपने नहीं मेंशन किया है, ब्लैंक रहने दिए, तो लोकल में ब्लैंक चलती है, तो कोई बात नहीं उसमें। तो यहाँ से मैं सिंपल सा इसे सारे कुछ हो जाने के बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ हमारी वेबसाइट को। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको शो होगा, सभी ओके है, प्रोसीड, सभी ओके है, अलाउ अलाउ है, नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से डेटाबेस सेटअप करना कह रहा है, तो एक बार फिर से आप यहाँ पे डाल दीजिए, सेम ही चीज डालना। ओके, कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रन डेटाबेस माइग्रेशन, तो रन माइग्रेशन। ओके, वो डेटाबेस में ऑलरेडी माइग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एडमिन कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि आपको क्या यूजर नेम, पासवर्ड और सॉरी ईमेल आईडी क्या रखना है, वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसे ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ब्राउज टू एडमिन मैं क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, और साथ ही में ब्राउज टू वेबसाइट, तो जो हमारा फ्रंट डेस्क होगा तो कैसा लुक दिखेगा, तो वेबसाइट जो हमारी
ग्रो स्टोर की जो वेबसाइट है वो कैसी फ्रंट साइड से दिखेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। या तो ये मैं पहले बैक एंड में लॉग इन कर लेता हूँ, जो हमने एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड रखा था उसके इस्तेमाल से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी तरह के फीचर्स दिए गए हुए हैं। एक बार आप चेक कर लेना, आपके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस रहेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना हो या POS सेटिंग करनी हो, और जो भी आपका ऑर्डर है, रिपोर्ट है, वो सारा कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो इसमें से। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है कि अपलोड फाइल। ओके, तो ये सारा कुछ हो गया, क्रिएट डेटाबेस हो गया, इंस्टॉलेशन ऑन सर्वर हो गया, और इंस्टॉलेशन अगर लोकल में कर रहे हो तो कैसे करना है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया हुआ है। ओके, कि सेम ही चीज़ रहेगी, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं इसमें करना। और सिस्टम लॉग्स है, होम पेज, अबाउट अस, एडमिन लॉगो, अगर चेंज कैसे करना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन को एक बार पढ़ लेना। करेंसी कैसे चेंज करनी है वो भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। अब चलते हैं कि हमारी जो इसे अपग्रेड आया है, अपग्रेड कैसे करना है इस चीज़ को। ओके, तो अपग्रेड कैसे करेंगे इसे। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे update.zip फाइल को चाहिए होगी। या ओके, ये सारा सेम ही है, अपग्रेडेड फाइल। आप अगर चाहते हो तो डायरेक्ट भी इसे अपलोड कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि पहले अपलोड दिस को अपलोड करें, फिर बाद में अपडेट कर डाले। तो यहाँ पे मैं अपडेट का डाल देता हूँ जिप, इसे अनजिप करूँगा सेम ही तरीके से, इसे एक्सट्रैक्ट करके CD। ओके, एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इसके अंदर का CD में जाके सभी फाइलों को मूव करना है हमारे मीन सब डोमेन में, मीन्स जो प्रीवियस वाला था ग्रो स्टोर का, उसमें मूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मूव, यहाँ पे ग्रो स्टोर आ गया नीचे, तो यहाँ पे मैं सभी को मूव कर देता हूँ। यहाँ पे रिप्लेस, और रिप्लेस हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक बार फिर से अपने जो मेन वेबसाइट से रिफ्रेश करना पड़ेगा, जो सब डोमेन है उसे रिफ्रेश करना। तो आपको यहाँ पे अपडेट सिस्टम का वर्जन शो होगा, इसे अपडेट, सिंपल सा आपको अपडेट नाउ पर क्लिक करना है, तो ये आपका हो चुका अपडेट। ऐसे सिंपल सा आपको फिर से लॉग इन करना है, अगर एडमिन पैनल चेक करना हो और फ्रंट एंड चेक करना हो। ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे जो आपका स्टोर हो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।